नमस्कार दोस्तों एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं लूसेंट के बारे में किसके बारे में दोस्तों लूसेंट के बारे में तो लूसेंट का जो कि 2020 का अपडेट आया है दोस्तों उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे ठीक है तो चर्चा क्या करना है कि आपको ये चीज बताना है कि आपको लेना है लूसेंट या नहीं लेना है पुरानी से काम चलेगा या नहीं चलेगा तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पर जल्दी से आप हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और लाइक तब करना जब आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे बाकी आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं हमारे चैनल को बाकी प्रीवियस वीडियो के आधार पर तो बात करते हैं लूसेंट जो कि लूसेंट आ चुकी है मार्केट में ये नई बुक है आपकी दोस्तों 2020 की ठीक है इसमें बड़ा ही अब मोटापन आ चुका है और बहुत सारी चीज़ अपडेट है क्या अपडेट है और क्या चीज़ इसमें नहीं अपडेट की गई वो चीज़ भी हम जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे तो बात करते हैं लूसेंट 2020 ठीक है दोस्तों तो लूसेंट 2020 हालांकि अपना अब तो अक्टूबर आ गया है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको देखना और करना ही पड़ेगा ठीक है तो जल्दी से इस चीज़ को आप खरीद लीजिएगा है ना लूसेंट मतलब इम्पोर्टेंट हो गई अपने लिए लेकिन इसमें अपन बात करते हैं है ना मेरा तो कुछ है नहीं पर जो अपन तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की उसके बाद रेलवे की ठीक है जो एस एस सी की उसके आधार पर मैंने ये बात की है ठीक है बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है एम पी जी के सॉरी सामान्य ज्ञान है ना तो लूसेंट सामान्य ज्ञान 2020 अब मैं बात करूंगा इसमें क्या क्या अपडेट दिया है ठीक है तो जैसे ही पहला पेज खोलूंगा दोस्तों तो इसमें सारा आपका सिलेबस यहाँ पे नजर आ जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2020 की ही मैंने ली है ठीक है है ना ले तो मैंने कभी से ली लेकिन मैं कभी से सोच रहा हूँ आपको प्रोवाइड करूंगा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पुरानी बुक ही पढ़ लेते हैं यार इसको ही पढ़ लेते हैं इसको ही पढ़ लेते हैं काम बन जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं आपको इसमें पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों ठीक है तो पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि वैकेंसी बड़ी लेट आई है अपनी है ना क्योंकि एग्जाम डेट आपकी पंद्रह दिसंबर बता चुके हैं वैसे अब बात करते हैं इसमें जो प्राचीन इतिहास है, है ना इतिहास में कुछ चीजें जोड़ी है इसमें दो टॉपिक जुड़े हैं इस बार है ना इतिहास में भी दो टॉपिक है ना कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में जुड़ा था तो भाई ठीक है लेकिन इतिहास में एक तो जुड़ा है आपका दोस्तों बीस नंबर पे संगम युग है ना अपन जो संगम युग पढ़ते थे वो छोटे लेवल पे आपका पहले दे रखा था अब इस बार कुछ नया अपडेट करके दिया मतलब नया अपडेट क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है है ना तीनों जो युग थे आपके वो तीनों को के बारे में संगम युग के बारे में इसमें बताया गया ठीक है और बड़ा ही अच्छा डिटेल से आपको बताया गया और दूसरा जुड़ा है वाकटक वंश इतिहास में ठीक है बाईस नंबर पर जुड़ा है तो इस प्रकार टोटल इस पे छब्बीस आपके ये पॉइंट बन चुके हैं ठीक है तो ये देखना है अपने को उसका मध्यकालीन भारत वैसा का वैसा ही इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया गया ठीक है बिल्कुल मैं आपको लाइव बता रहा हूँ इस चीज को ठीक है तीसरा आता है इसमें आधुनिक भारत तो आधुनिक भारत में बहुत अच्छी चीज जोड़ी इन्होंने एक तो जोड़ी अठारह सौ की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र इसमें जोड़ दिए गए ठीक है जो भी केंद्र वगैरह थे थोड़ा अच्छा विस्तार से इसमें समझाया गया दूसरा भारतीय धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन हुए थे भारतीय और सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए उनके बारे में भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छे अपने लिए चीज है ठीक है क्योंकि ये प्रश्न पुराने मैंने देखे हैं ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं इन चीजों से और वो चीज़ इन्होंने अब नई अपडेट कर दी है फिर बात करता हूँ मैं दोस्तों भारतीय प्रेस के बारे में भारतीय प्रेस का विकास एक अलग ही टॉपिक यहाँ पे दे दिया गया ठीक है और एक जुड़ा है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन इस प्रकार से आधुनिक भारत में भी तीन चार टॉपिक अपने को देखने को नए टॉपिक देखने को मिले जो कि पुराने मैंने कई बार देखा एग्जाम में पुराने पेपर में लगाता रहता हूँ तो उस चीज में मेरे को ये चीज नजर आई कि हाँ यार कुछ ना कुछ अपडेट किया है ठीक है दूसरा है फिर यहाँ पे विश्व इतिहास में कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है क्योंकि वो का वही है कुछ नई चीज नहीं आई है इसमें भूगोल में भी कुछ नई चीज नहीं जोड़ी गई है बाकी जो अपडेट था पुराने से नया अपडेट इसमें कर दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे इंपोर्टेंट हो जाती है बुक लेने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि 2018 से 19 और 2020 का जो थोड़ा बहुत आंकड़ा जो देते हैं वो वो नई रिपोर्ट इसमें दी है क्या क्या रिपोर्ट दी बता देता हूँ मैं नई आर्थिक नीति आ गई इसमें भारतीय वित्त रिपोर्ट आ गई है भारत में पत्र मुद्रा के बारे में और लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसमें खुशहाली रिपोर्ट 2019 और 18 की भी दिए है साथ में टैक्स के बारे में बजट के बारे में इसमें बताया गया है बहुत सारा है ना जीएसटी के बारे में भी है कुछ फसल के बारे में है शेयर बाजार के बारे में है कुछ नई योजनाएं चली है कौन सा प्रतिभूति मुद्रण सिक्कों के आधार पर लिया गया ये चीज़ इसमें एक बहुत प्यारी चीज़ मुझे यही लगी कि अर्थव्यवस्था क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो पुराने प्रश्न हैं अब यहाँ के फलानी चीज पहले आई किसने याद की थी ये चीज अपन जानते हैं ठीक है सब लोगों ने पढ़ रखी लेकिन एक नई चीज योजनाएं के साथ में व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी तरह से इसको इसमें दिया गया है मैंने इसको पढ़ा है उसके बाद ही मैंने सोचा कि आप तक ये चीज प्रोवाइड करवाऊं ताकि आप ये चीज़ से जुड़ जाए क्योंकि पता नहीं दोस्तों पेपर कहाँ से बनता है ठीक है हर चीज नई नई अपडेट करके ही अपने को पढ़ना है ठीक है पुरानी जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है पर अपडेट भी पढ़ना है ठीक है तो भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे अपडेट करके दिया है ठीक है उसके बाद में बात करूंगा ये पढ़ने के लिहाज से चल रहा है दोस्तों कोई प्रमोशन नहीं चल रहा नहीं तो आप सोचो कि प्रमोशन कर रहा हूं मैं कोई प्रमोशन नहीं इसका तो ऑलरेडी प्रमोशन हर बच्चा जो लेता है वो आप जानते हैं उस चीज के फिर भारतीय संविधान के बारे में दो टॉपिक में बता देता हूं एक टॉपिक जुड़ा है भारत का महान्यायवादी है ना इसमें बिल्कुल अलग से टॉपिक समझा के दिया है, है पंद्रह नंबर का ठीक है तो वो टॉपिक है अलग ही इन्होंने निचोड़ करके अलग से रख दिया है बाकी आपका सभी चीजें हैं संविधान के बारे में आप जानते हैं संघ उसका राज्य क्षेत्र वगैरह मौलिक कर्तव्य महालेखा का कार्य ये सब चीज अपन ने पढ़ रखी है वो चीज आपने पर इसमें एक नया अपने को जोड़ दिया हालांकि सभी लोग स्टूडेंट कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं इस चीज़ को पर ये जो टॉपिक आपका आता है वो यहाँ पे समझाया गया अब आगे की बात करूँगा मैं इसमें अगला टॉपिक आपका भौतिक विज्ञान तो भौतिक विज्ञान में कोई अपडेट यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि साइंस का पोर्शन है ना कुछ चीज़ें कुछ उपकरण वगैरह जो नए बने उनकी खोज की गई वो एक आध दो यहाँ पर जोड़ा है बाकी कुछ नहीं है फिर दूसरा है रसायन विज्ञान तो जब इसमें नहीं जुड़ा तो रसायन विज्ञान में कैसे जुड़ सकता है ठीक है जीव विज्ञान में कैसे जुड़ सकता है तो बाकी वही टॉपिक हैं पर कुछ नई चीज़ इसमें आके थोड़ा संशोधन करके इसको समझाने का प्रयास किया गया फिर आता है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना पहले नंबर पर अर्थव्यवस्था आती है दूसरे पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी आती है जो कि आप पे संशोधन करके दिया है यानी कि जो लेटेस्ट आंकड़े हैं आपका कौन सा कहाँ पे उड़ा कौन सा यान कहाँ गया है ना कौन सा उपग्रह है ये सारी चीजें इसमें दी है ठीक है तो दो टॉपिक टॉपिक हो गए तीसरा जो सबसे सबसे बड़ा है और सबसे है और इंपॉर्टेंट वो है विविध पोर्शन तो विविध पोर्शन जो पहले पढ़ते थे ना प्रथम पुरुष तो एक पेज पढ़ लिया हमने डेढ़ पेज पढ़ लिया ठीक है दो दो तीन तीन पेज दिए हैं बढ़िया अच्छे से दिए क्योंकि ये यूनिक चीजें हैं पता है दोस्तों ये चीजें बिल्कुल आती है आपकी बुकों में पेपर में है ना पेपर में आपको प्रथम पूछ लेगा लेटेस्ट का आंकड़ा भी इसमें जोड़ के दिया है ठीक है तो वो भी आप लोगों को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक हो गए चौथे पे आता है दोस्तों खेलकूद है ना इसमें महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अच्छा ये खेलकूद से पहले विविध में ही जो दिवस होते हैं वो भी अपडेट किए हैं ठीक है तो वो भी आपको अच्छे से देखना है प्रमुख पुस्तक हैं सम्मान वगैरह है पुरस्कार वगैरह है सब चीज़ अच्छे से इसमें अपडेट करके दिए और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको ये चीज़ आपको बता रहा हूं लेकिन अभी मैं लूसेंट के हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ मेरे लेक्चर में एक लेक्चर में लूसेंट का जरूर जोड़ूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज अपडेट करके दी है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है योजनाएं हैं कुछ भी इस प्रकार से तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या यूनिक चीज कोई डिब्बे में बंद करके दिए उन तालिका टाइप से फिर खेलकूद कूद आता तो खेलकूद में भी वैसा का वैसे ही कोई वो चेंजेस नहीं किया गया कुछ नई चीजें आई तो वो जोड़ दिया कंप्यूटर में एक अच्छा काम किया इन्होंने बिल्कुल दो पेज दिए हैं लास्ट के दो पेज में आपको बता देता हूँ ये दो पेज कंप्यूटर के हैं दोस्तों एक पेज और एक पेज मतलब आधा है पूरा भी नहीं बोल सकते अपन ये दो पेज है आपके ना एक पूरा पेज दो पेज या तीन पेज मान लो आप अब इन पेजों में क्या किया गया है कि कंप्यूटर में यूनिक चीज दी है मतलब एक्स्ट्रा कोई फालतू चीज नहीं दी है जिससे पहले थे दो दो तीन तीन पेज कौन सा पढ़े इसमें बिल्कुल सही साढ़ दिया है बिल्कुल मैं आपको बता दूं शॉर्टकट वगैरह मैंने देखे हैं वो भी जो फुल फॉर्म वगैरह रहते हैं वो दिया है और जो पुराने पेपर में आ चुके हैं ना वो चीजें छोटा लेवल करके इन्होंने समझा दिए लेवल छोटा है लेकिन पेपर में बड़ा अच्छा तरीके से आता है तो आप मैं चाहूंगा कि कोई सी भी बुक हो अगर आप पढ़ रहे हैं या नए विद्यार्थी हैं तो इन बुकों को लें और अच्छे से तैयारी करें दोस्तों क्योंकि एग्जाम आ चुकी है क्योंकि पहले से भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी होगी जो पढ़ रखा है वो तो ठीक है लेकिन उसका रिवाइज़ करें और नई चीज़ को अपडेट करें है ना किसी भी मार्कर का यूज़ करें पेन का यूज़ करें तो जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं जीके में बाकी करंट अफेयर आपके हाथों में वो तो आपको पढ़ना ही है दोस्तों तो ये नहीं किया तो क्या किया दोस्तों क्या आपको पढ़ना है और अच्छी बुकों से पढ़ना है तो आपको ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को है ना अब सबका देखा है मैंने है ना अपने से लेकर अधिकतर लोगों का बाहर वालों का तो ये चीज़ यूनिक चीज़ है आपको पढ़ना है 2020 की अपडेट जरूर लीजिएगा दोस्तों या फिर आप किसी पी अगर मिल जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आपको बुक अगर लेना है तो आप लीजिए उस चीज़ को क्योंकि लेना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो धन्यवाद साथियों